Hello learners, my name is Gauri Negi, Assistant Professor, Department of Physics, Uttarakhand Open University. Today, we are going to discuss topic semiconductors. Semiconductors is the topic for BSc third year student. First of all, we are going to discuss the definition of semiconductors. So, semiconductors are those materials whose conductivity or which have conductivity between conductors and insulators. Semi means aadha, jo aadhe conductors hain, aadhe insulators hain. So, we have a proper definition of semiconductors. Semiconductor materials are those materials which have conductivity between conductors and insulators. Insulators एंड कंडक्टर्स के बारे में सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, सारे लर्नर्स जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं. इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो हम एक वैल्यू ले लेते हैं उसकी. तो मटेरियल्स हैं, यहाँ पे हम मटेरियल्स लेते हैं. मटेरियल यहाँ पे रेसिस्टिविटी, यहां पे कंडक्टिविटी. तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स. फिर आते हैं इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी होती है, जो कि कंडक्टिविटी के अपोजिट होती है, वो होती है 10 to the power -8 ohm meter. ohm meter resistivity की यूनिट होती है. एंड इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी होती है 10 to the power 11 to 10 to the power 90 ohm meter. ओके. और सेमी कंडक्टर्स की होती है 10 to the power -5 to 10 to the power 8 meter. ठीक है. तो जो रेसिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी के अपोजिट होती है या उसके रेसिप्रोकल होती है. तो इसी तरह से हम इसकी कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं. तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इन मटेरियल्स की? ठीक है. कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है मो या सीमेंस मीटर इनवर्स. तो ये है हम मटेरियल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में एंड सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है. दो तरह के, एक प्योर सेमीकंडक्टर्स, एक इम्प्योर. प्योर जिनको इंट्रेंजिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, और इम्प्योर मीन्स एक्सट्रेंजिक सेमी कंडक्टर्स. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स.
will be conductors. First, pure या natural और intrinsic semiconductors. ठीक है, हम ज्यादातर उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं. प्योर भी बोल सकते हैं, नेचुरल, नेचुरल मींस जो जिसमें कोई मिलावट नहीं है. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट या वो मटेरियल जिनमें हम कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं. तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वो हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम. और ये वो मटेरियल होते हैं जिनका जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? चार, या टेट्रावेलेंट एटम्स. तो इसकी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 40, जर्मेनियम का 32. अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होगा, सिलिकॉन का होगा 14, एटॉमिक नंबर 14, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. तो जो वैलेंस बैंड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? चार, दो और दो, चार. तो इसलिए ये क्या है? टेट्रावेलेंट एटम. ऐसी जर्मेनियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 32, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3s2, 3p6, कितना हुआ? 2, 10 और 18, फिर 3d, 4p2, हो रहा है 32, 2, 2, 4, 6, 10, 10 और 2, 12, 12 और 6, 18, 18 और 10, 28 एंड 4, 32. अगेन वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? चार, जैसे इसमें थे चार. तो ये भी टेट्रावेलेंट एटम है, ये भी टेट्रावेलेंट एटम है. तो ये जो भी एटम टेट्रावेलेंट होता है उसको हम सेमीकंडक्टर्स मान सकते हैं, भले ही सबकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है. मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ये हुए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर, जिनमें कोई मिलावट नहीं. लेकिन हम सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर्स को या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज नहीं हो सकती है. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ इम्प्योरिटीज मिला के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है. एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कर लेती है. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग. तो प्रोसेस आती है, उसका नाम है डोपिंग.
डोपिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Is called doping. ठीक है, अभी डोपिंग किसकी किस तरह से होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो डोपिंग किसमें करनी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिससे वो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और हम उन्हें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, डायोड हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, आपके एलईडीज हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स है, सब में क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स यूज होता है। और वो कौन सा सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स पे बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, इम्प्योर मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर भी बोल सकते हैं क्योंकि हम उसमें क्या मिलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला एन टाइप और दूसरा पी टाइप। N stands for, यहां पर जो N है इसका मतलब है negative, और ये जो P है ये है positive। ये भी हम अभी समझेंगे negative और positive क्या हो। ठीक है, तो N type जो semiconductors होते हैं, extrinsic semiconductors, उनमें हम कौन सी इंप्योरिटी मिलाएंगे कि वो एन टाइप बनेंगे, पी टाइप में कैसी इंप्योरिटी मिलाएंगे कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, टेट्रावेलेंट एटम। अब हमें अगर उन्हें एन टाइप बनाना है तो हम उनमें क्या मिलाएंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, और अगर पी टाइप बनाना है तो क्या मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, तो अब हमें इन एटम्स में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें हम क्या मिलाएंगे, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, तो एन टाइप बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप का बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, मींस जिनकी वैलेंसी, जिन एटम्स की वैलेंसी 5 हो। तो ऐसे कौन से एटम्स होते हैं, फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होगा पी जेड 15 इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p 6 3s2 3। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे या बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये क्या हुआ, पेंटावेलेंट एटम। अगर हम इस इंप्योरिटी को, इस एटम को सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें उसमें कौन सी इंप्योरिटी मिलानी है, पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी मिलानी। अब वो इंप्योरिटी से क्या फर्क पड़ेगा, सपोज हमारे पास एटम है, सिलिकॉन है,
ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अभी ये सिर्फ किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, सिलिकॉन क्रिस्टल का, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का। सिलिकॉन की वैलेंसी 4, तो मीन्स 1, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस एटम के भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी 4 होंगे, इस एटम के भी 4, हर एक एटम के 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, क्रिस्टल कैसे बनेगा, ये क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इस सिलिकॉन एटम से ये वाला सिलिकॉन एटम दोनों आपस में क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इस तरह से यहां पर ये भी इसके आगे कोई और एटम होगा तो उसके साथ शेयर करेगा, ये आगे वाले के साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा। इस तरह से हर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने नियर बाय एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये बना एक सिलिकॉन क्रिस्टल जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन अपने अपने आप को शेयर कर रहे हैं नियर बाय एटम के साथ। ये तो हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बॉन्ड, लेकिन हमें बनाना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो पेंटावेलेंट एन टाइप बनाना है, एन टाइप बनाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो ये बनेगा, ये है फॉस्फोरस। सपोज हमने फॉस्फोरस को इस क्रिस्टल में मिला दिया एक एटम, तो क्या होगा, फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5, तो 4 तो ये हो गए, एक बच गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये तो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। हमने एक स्ट्रक्चर लिया, छोटा सा स्ट्रक्चर। इस तरह से एक क्रिस्टल में कितने ही सिलिकॉन एटम, कितने ही उसमें कितनी ही इम्प्योरिटी हो सकती है, फॉस्फोरस एटम हो सकते हैं, सिलिकॉन एटम्स हो सकते हैं, लेकिन जो हम एन टाइप जब सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो हम उसमें इम्प्योरिटी बहुत कम ऐड करते हैं। बहुत कम इम्प्योरिटी ऐड करने से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हमें इसे हैवीली डोप्ड बनाना है तो क्या करते हैं, कितना शेयर होता है, कुछ पार्ट होता है किसमें, पार्ट इन थाउजेंड, मीन्स आपके थाउजेंड्स ऑफ एटम्स प्योर सेमीकंडक्टर के होंगे और उसमें कुछ पार्ट किसका होगा, इम्प्योरिटी का। अगर उसे हैवीली डोप्ड बनाना है तो आप क्या करेंगे, पार्ट इन बिलियंस में भी बना सकते हैं, सॉरी ये हैवीली डोप्ड, ये लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड में पार्ट इन बिलियंस एटम। बिलियंस एटम में हम थोड़ा सा पार्ट मिलाएंगे तो वो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और अगर थाउजेंड में ही उसकी इंप्योरिटी मिलाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हैवीली डोप्ड। वो हम अपने प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से उसमें ज़्यादा या कम इम्प्योरिटी मिला सकते हैं। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन बचा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं,
तो इनको बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन से इनके मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट एटम्स कौन कौन से होते हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। कैसे बनते हैं, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे वैलेंस बैंड में, 3, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इसकी वैलेंस है कितनी हुई, 3, तो इसको हम कह सकते हैं ट्राइवेलेंट एटम। ठीक है, तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या इंप्योरिटी मिलाएंगे, एल्यूमिनियम। ठीक है, और भी एटम्स होते हैं, फिलहाल मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ। तो एल्यूमिनियम को हम किस तरह से मिलाएंगे, सेम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिलिकन, आप जर्मेनियम के साथ भी बना सकते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ये प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की है इस तरह से। ये शेयर करेगा अपने नियर बाय एटम से, ये इस तरह से यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ये तो प्योर सेमीकंडक्टर हुआ। अब हमें इसमें मिलाना है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मींस अब हमें सेंटर वाले सिलिकॉन की जगह क्या मिला देते हैं, एल्यूमिनियम। लेकिन इसमें एक चीज क्या होगी, इसके कितने एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, तो वो 3 ही शेयर होंगे। एक इसके साथ शेयर हुआ, एक इसके साथ शेयर हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे खाली है। तो इस खाली को हम दिखा सकते हैं इसको, चलो वैसे तो ये सिंबल होल का होगा, ये इलेक्ट्रॉन का होगा, पर यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं वैलेंस, वैलेंसी ऑफ, सॉरी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बन गया होल। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, होल, मीन्स जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन की जो जगह थी वो बन गया होल। होल भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सेमीकंडक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें होल क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल भी कंडक्टिविटी में पार्ट, उनका रोल होता है और इलेक्ट्रॉन्स का भी रोल होता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स में दोनों को ही हम कंसिडर करते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन्स। होल का कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर में ही यूज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से होल आ, ये हो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिसमें एन टाइप में कौन से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और पी टाइप में होल क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब हम, ये तो बेसिक था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और कितने तरह के
होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आजकल हम जितने भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, सब में क्या यूज़ होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो किस पर बेस्ड है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्यों खास है? तो इनकी दो प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। पहली होती है सेमीकंडक्टर्स कैन गिव यूनी डायरेक्शनल करेंट। सेमीकंडक्टर्स में हम करंट को अपने हिसाब से यूनिडायरेक्शनल बना सकते हैं, रिवर्स बायस कर सकते हैं, फॉरवर्ड, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है। तो यूनिडायरेक्शनल करंट मीन्स एक ही दिशा में, ऐसी चॉइस बिना एनर्जी लॉस के हमारे पास सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही मिलती है, इसलिए ये खास है। दूसरा, जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स होल्स। हम सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के द्वारा, ऐसा बिना किसी एनर्जी लॉस के, जो कि कंडक्टर्स में पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत खास होते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स में ही आगे, एनर्जी बैंड्स, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। थैंक यू।